हे गाइस, तो तारक मेहता शो के पिछले 2 साल की हिस्ट्री के बारे में तो यार हम सबको पता है कि यार एक मेन कैरेक्टर जो दया का कैरेक्टर था, तो 2 साल पहले दया के कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसके बाद वो मैटरनिटी लीव पर चली गई थी और 2 साल हो गए हैं आज तक वो कभी मैटरनिटी लीव से वापस ही नहीं आई हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर तारक मेहता शो की एक और एक्ट्रेस जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर उन्होंने काफ़ी सारी पोस्ट डाली हैं अबाउट देयर प्रेगनेंसी और वो भी बहुत ही जल्द दिशा वकानी की तरह ही माँ बनने वाली हैं। तो वही सब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से वही हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? क्या तारक मेहता शो की एक और इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर तारक मेहता शो को छोड़कर जा रही है मैटरनिटी लीव पर? तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि तारक मेहता शो की एक फीमेल एक्ट्रेस अब माँ बनने वाली है बहुत ही जल्द, लेकिन दोस्तों इसका कुछ भी तारक मेहता शो पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक्ट्रेस है रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस प्रिया आहूजा। जी हाँ दोस्तों, तो यार रीटा रिपोर्टर का रोल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और वो वैसे भी 2 साल तक नजर आती ही नहीं है शो में, तो इससे कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला तारक मेहता शो को। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एक्ट्रेस प्रिया आहूजा है जो कि रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले करती है वो बहुत ही कम नजर आती हैं तारक मेहता शो में और वो वाइफ हैं तारक मेहता शो के ही डायरेक्टर मालव राजदा की। तो गाइस फिलहाल तो यही चर्चा चल रही है कि यार एक्ट्रेस दिशा वकानी वापस आती है दया के रोल में या फिर कोई नई एक्ट्रेस तारक मेहता शो के मेकर्स लेकर आने वाले हैं शो में। तो गाइस आपको क्या लगता है, किसे आना चाहिए या किसे नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। इस अपडेट के ऊपर भी अपनी राय जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी तक भी अपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।